प्रवासी मजदूर, यह शब्द सुनते ही हमें उन लोगों की याद आ जाती है जो इस कोविड-19 की महामारी के चलते अपने घरों से बेघर होकर इधर उधर भटक रहे हैं। आज की कहानी उन्हीं की एक सत्य घटना पे आधारित है। क्या सोच रहे हैं आप? यही उस कचरे से खाना उठाकर क्यों खा रहा हूँ? वैसे भी तो आप लोग हमें कचरा ही समझते हैं ना, और नाम देते हैं प्रवासी मजदूर। वैसे मेरा नाम भगवान दास है। इस महामारी के चलते मालूम इस भगवान दास के लिए इस भगवान के घर के दरवाजे भी बंद हो गए हो सारे। मेरे परिवार के बारे में जानना चाहते हो? अरे सरोज, सुनती हो क्या? श्याम और नंदिनी को लेकर जरा बाहर तो आना। बस इतना सा ही बचा है मेरा परिवार सा है। बस इतना सा ही बचा है। इस महामारी के चलते जब हम अपने गांव वापस जा रहे थे तो खाने को रोटी ना थी, पीने को पानी ना था। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे तड़प रहे थे, पानी पानी बाबू पानी। ऐसे ही हम एक रात एक रेल की पटरी पे सो गए, सोचकर किस महामारी के चलते कोई रेल यात्रा शुरू नहीं हुई होगी। मैं वहां अपने परिवार को छोड़कर इधर उधर खाने की तलाश में भटकने लगा। खाना तो नहीं मिला, पर जब मैं वापस आया एक तेज रफ्तार से बैलगाड़ी मेरे परिवार के ऊपर से चली गई और मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर गई सारे, टुकड़े टुकड़े कर गई। खत्म हो गया मेरा परिवार, खत्म हो गया। जब हम लोगों से खाना मांगते चलते भगवान के नाम पे खाना दे दो बापू जी, तो आगे से लोग कहते उस भगवान के नाम पे मांगते हो तो जाकर उस भगवान से ही मांगो ना। अच्छा ही हुआ भगवान के बच्चे भगवान के घर चले गए, कम से कम वहां पे भूखे तो नहीं मरेंगे। अच्छा ही हुआ भगवान के बच्चे घर बुलाता है भगवान, है कहाँ रे तू, है खुदा, है कहाँ रे तू।